नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है सिंबल टेक सपोर्ट चैनल। काफ़ी सारे ऐसे YouTube चैनल हैं जिनका मोनेटाइजेशन अभी हाल ही में एनेबल हुआ है, काफ़ी सारे ऐसे YouTube चैनल हैं जिनका मोनेटाइजेशन अभी एनेबल होने वाला है। तो आज की ये वीडियो दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं टोटली बात करने वाला YouTube मोनेटाइजेशन के बारे में। एक्चुअली मेरे पास एक कमेंट आया था कि भाई मेरा जो मोनेटाइजेशन था वो भी 3-4 दिन पहले ही अभी एनेबल हुआ था, उसके बाद मेरे पास मेल आया है गूगल एडसेंस की तरफ से कि आपका जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल कर दिया गया है इनवैलिड एक्टिविटीज़ इनवैलिड क्लिक की वजह से। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, अब तो वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय गूगल एडसेंस को मेल के अलावा, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका मोनेटाइजेशन अभी हाल ही में एनेबल हुआ है, उनको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल ना हो। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका मोनेटाइजेशन अभी एनेबल होने वाला है, तो भाई जिनका होने वाला है और जिनका हो चुका है अभी हाल ही में, दोनों के लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप काफी सारी चीजों से बच जाओगे। काफी सारे ऐसे चैनल हैं जिनका जो मोनेटाइजेशन अभी एनेबल हुआ है, वो चैनल में 100% कोई ना कोई ऐसी वीडियो होगी जो वायरल होगी। काफी सारे ऐसे चैनल होते हैं जिनकी एक ना एक वीडियो वायरल होती है, और जब उनका जो मोनेटाइजेशन एनेबल हो जाता है तो वहां पर दिक्कत ये होती है कि उनका जो CTR है एकदम से हाई पहुंच जाता है। अब वो CTR हाई इसलिए पहुंचता है क्योंकि वहां पर जो एक वीडियो जो वायरल चल रही है उस पर जो व्यू आ रहे हैं पर डे के हिसाब से बहुत ज्यादा आते हैं। जब उन पर व्यू बहुत ज्यादा आते हैं उस पर एड भी बहुत ज्यादा आते हैं, इंप्रेशन बहुत ज्यादा आते हैं, और उसके बाद उस पर क्लिक भी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है कि जो CTR एकदम से हाई हो जाता है। मेरे चैनल पर जब मोनेटाइजेशन ऑन हुआ था तो मेरी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल चल रही थी और मेरी जो अदर वीडियोस थी उस पर 50-60 व्यूज आते थे, लेकिन उस पर्टिकुलर वीडियोस पर मेरे पर डे के 1-2 हज़ार व्यूज़ आते थे। तो वहाँ पर होता जाता है जो इंप्रेशन मेरे आते थे उस इंप्रेशन के अकॉर्डिंग जो मेरा परसेंटेज चल रहा था, CTR जो चल रहा था वो मेरा बहुत हाई चल रहा था। तो मुझे किसी ने बताया था, कुछ टिप्स मैंने ली थी, वीडियोज़ वगैरह देखी थी, तो उसमें बताया कि आप एक काम करिए, आप अपनी जो वीडियो आपकी जो वायरल चल रही है उसका जो मोनेटाइजेशन उसको आप बंद कर दीजिए। तो आपकी भी चैनल पर अगर कोई वीडियो ऐसी वायरल चल रही है जिस पर बहुत ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू अदर वीडियोज़, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपनी उस वाली वीडियो का जो मोनेटाइजेशन उसको आप बंद कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने YouTube जो क्रिएटर वाला ऐप है यानी कि YT स्टूडियो जो ऐप है उस पर आपको जाना है, और मोनेटाइजेशन पे आप जाओगे, किसी भी वीडियो के मोनेटाइजेशन पे जाओगे, वहां पर आप उसको बंद कर सकते हो। आप एक बार बंद करके देखना, अगर आपका CTR बहुत ज्यादा हाई चल रहा है यानी 15% से ऊपर चल रहा है, तो अगर आपका हाल ही में अभी मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है तो आपको देखना चाहिए कि आपके जो CTR है वो 10% से भी ज़्यादा ना हो। अगर वो CTR 10% से ज़्यादा हो रहा है, 15% से ज़्यादा हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर जो वीडियो आपकी वायरल चल रही है उसका जो मोनेटाइजेशन है उसको बंद कर दें आप थोड़ी देर के लिए। आप देखोगे, आप अगर मॉर्निंग में उसको बंद करोगे शाम तक देखोगे आपका जो CTR है एकदम से कम हो जाएगा, और इससे आप क्या है कि आपके चैनल पर इनवैलिड क्लिक की वजह से आप बच सकते हो, आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल नहीं होगा। तो भाई ये एडवाइस मुझे देनी थी क्योंकि मैंने ये ट्रिक खुद करी थी। मेरा जो CTR था 20-22% पहुंच गया था जब मैंने अपने जो वायरल वीडियो का जो मोनेटाइजेशन बंद करा था, तो मेरा जो CTR है वो 4-5% पर आ गया था। वीडियो है उस पर आपके 1000 व्यू आते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके जो इंप्रेशन आते हैं वो आते हैं 200, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके जो इंप्रेशन पर क्लिक हो रहे हैं वो आपके ज़्यादा ना हो। अब भाई ये तो आपके हाथ में नहीं है, हो सकता है आपसे कोई दुश्मनी ले रहा हो, आपका कोई सब्सक्राइबर भी ऐसा हो कि आपके ऐड पर बार बार क्लिक करता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक पर्टिकुलर एक ही वीडियो वायरल चल रही हो उस पर ऐड आ रही हो, उस पर क्लिक भी हो रहे हो। तो इस चीज़ से अगर आप बच जाओगे तो आपका जो CTR है वो एकदम से डाउन हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आप लोगों को समझना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ एक अपडेट के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि एक अपडेट है YouTube की तरफ से आया है। वो अपडेट ये है, इसमें जो कस्टम थंबनेल है वो आपका नहीं दिखाई देगा, कुछ चैनल का भी नहीं दिखाई देगा, ट्राई कर रहा है वो, और इसमें पता नहीं वो क्या चीज़ देख रहा है ये तो अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन जैसे आप अभी वीडियो को अपलोड करते हैं, जैसे मैं अभी इस वीडियो को अपलोड करूंगा, ऑटोमेटिक 3 मेरे जो थंबनेल है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं, उसमें से एक थंबनेल वो लेगा और उसको लगा देगा, जिससे कि आपको शायद काफ़ी सारे लोग हैं जो क्लिकबेट का यूज़ करते हैं जिसमें बताते हैं कि भाई इस वीडियो के ऊपर कुछ लगा हुआ है, अंदर कुछ है, या फिर दिखा कुछ रहे हैं अंदर कुछ निकल रहा है, पता उससे बचने के लिए YouTube ये कर रहा हो, कुछ उसका एक्सपेरिमेंट है। और ये अगर सभी यूट्यूबर्स के लिए लागू होगा तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है यूट्यूबर्स को, क्योंकि वहाँ पर वो बता नहीं पाएगा एक्चुअली, काफ़ी सारी उसको टाइटल में ही सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, वो बता नहीं पाएगा कि आप अपनी वाली वीडियो में क्या दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। तो मैं समझता हूँ कि ये अपडेट ना ही आए तो अच्छा रहेगा यूट्यूबर्स के लिए। तो भाई जितने भी लोग हैं जिनका मोनेटाइजेशन एनेबल हुआ है तो थोड़ा सा बच के रहिए, CTR पर ध्यान रखिए, CTR को चेक करते रहिए कि आपके जो CTR है वो ज़्यादा ना हो, जिससे कि आपका जो गूगल एडसेंस है वो बचा रहे और आप भी अर्निंग कर पाओ। तो वैसे यदि वीडियो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस वीडियो को, जिससे कि और लोगों को इसके बारे में पता चल सके। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो वैसे यदि वीडियो आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।